छुट्टी के बाद आज मुंबई में दफ्तर खुले थे और इसके बाद आज सड़कों पर काफी गाड़ियां उतरी। इसके बाद मुंबई में सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी। मुंबई में बारिश के चलते एक घर गिरने की भी खबर है। वहीं एहतियातन मुंबई एयरपोर्ट पर भी फिलहाल मूवमेंट रोक दिया गया है। मुंबई की सड़कों की तस्वीर देखिए, जाम लगा हुआ है हर तरफ। हल्की बारिश सुबह से हो रही है, आज भारी बारिश का अनुमान है। थोड़ी बारिश में ही यहां जलभराव हो जाता है, इसकी वजह से पूरी तरह से मुंबई की गति एक तरह से रुक जाती है। ये ट्रैफिक का हाल आप देखिए सुबह से। दफ्तर पहुंचने वाले लोग, स्कूल जाने वाले लोग, तमाम लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और सभी के लिए अपने गंतव्य पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बारिश हुई सुबह से और जहां तहां पानी भरा हुआ है। उर्वशी खोला हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। उर्वशी, अपडेट दीजिए, मुंबई में क्या हाल है, कहां कहां ट्रैफिक की स्थिति है? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दो तीन घंटों से मुंबई में जोर की बारिश हो रही है, जिसके चलते एयरवेज, रोडवेज और रेलवे जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। रेलवेज का अभी फिलहाल तक सब कुछ चल रहा है ठीक से, बट अगर हम रोडवेज की बात करें तो कई ऐसे लो लाइन एरिया है जहां पे पानी पूरी तरह से भर गया है। अगर हम बात करें रेलवे ट्रैफिक की तो वो नॉर्मल है हर लाइन में, बट द बेस्ट बसेस जो है वहां पे डाइवर्जन हुआ है। गांधी मार्केट जो एक बहुत ही कॉमन एरिया है लोल का, वहां पे पानी भरना शुरू हो गया, इसलिए डाइवर्ट किया गया है वहां की ट्रैफिक बाबूबाजी रोड से। इतना ही नहीं, बट मुंबई एयरपोर्ट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा कि किस तरह से कोई फिलहाल मूवमेंट नहीं है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्योंकि भारी बारिश हो रही है। वहीं हमने देखा कि हर जगह जो है बारिश फिर से शुरू हो गई है जोर से, और कई ऐसे लो लाइन एरिया है जहां पे पानी भरना शुरू जी है। शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। मुंबई में पिछले दो तीन घंटों से तेज बारिश हो रही है और इस बारी बारिश के चलते एक डर लग रहा है मुंबई करों को कि कहीं ये बहुत ही ट्रबलसम, बहुत ही तकलीफ वाला, मुसीबतों वाला सोमवार ना बने। फिलहाल जो आप नजारा देख रहे हो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का है जहाँ पे रोड एकदम वाइड है पर फिर भी साइड में जो वाटर लॉगिंग शुरू हो चुकी है। और अगर हम देखें तो पिछले दो तीन घंटों से जो तेज बारिश हो रही है इसके चलते जो है ये वाटर लॉगिंग स्टार्ट हुई है। अगर ये तेज बारिश रुकी नहीं तो वाटर लॉगिंग इसी तरह से होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। पानी का जमावड़ा जो है बढ़ता जाएगा, ना सिर्फ सड़कों पर बट रेल की पटरियों पर, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एयरवेज जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़।